आप जानते हैं कि देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? यह देश के किन दो शहरों के बीच में बनाया जा रहा है? इसके बनने की शुरुआत कब हुई? पर नहीं पता तो बने रहिए हीरा सिंह राठौर चैनल के साथ। आज मैं आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे नहीं बल्कि देश के दूसरे सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की कहानी बताऊंगा। एक ऐसा एक्सप्रेसवे जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी प्लानिंग से लेकर बनने तक में सबसे कम समय लगा और आने वाले दिनों में यह देश का सबसे ज्यादा बिजनेस बढ़ाने वाला एक्सप्रेसवे साबित हो सकता है। आज मैं बात करूंगा 1271 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे की, जो गुजरात के सूरत में से तमिलनाडु के चेन्नई के बीच बनाया जा रहा है, यानी सूरत चेन्नई एक्सप्रेस पब्लिक डिमांड पर। हम अब वीडियो पर आते हैं। इसे मैंने चार हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले मैं आपको सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे की जानकारी दूंगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन अपडेट क्या है। फिर आपको मैं ये बताऊंगा कि इसके बनने की प्लानिंग कब और कैसे हुई। अंत में मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे के बनने से क्या बदल जाएगा, भारत की ग्रोथ में इसका कितना बड़ा योगदान होने वाला है। देश के पश्चिमी राज्य गुजरात में सूरत से दक्षिण भारत में तमिलनाडु के चेन्नई के बीच एक ऐसा एक्सप्रेसवे बन रहा है जो कि 1271 किलोमीटर लंबा। ये एक्सप्रेसवे 4 से 6 लेन का होगा जो देश के 6 राज्यों से होकर गुजर रहा है। ये गुजरात से शुरू होकर महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक जा रहा है। अगर रूट अलाइनमेंट की बात करें तो यह एक्सप्रेसवे सूरत से शुरू होकर नासिक, अहमदनगर, सोलापुर, कुरनूल, कंडप्पा और तिरुपति होते हुए चेन्नई में खत्म होगा। फिलहाल सूरत से चेन्नई जाने के लिए 1570 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जो कम से कम 35 घंटे का समय लेती है। लेकिन इस नए एक्सप्रेसवे से यह दूरी 1271 किलोमीटर की हो जाएगी, जिसे मात्र 18 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। यह पूरा एक्सप्रेसवे एक तरफ का नहीं है, इसमें कुछ हिस्सा 4 लेन का है तो कुछ हिस्सा 6 लेन का है, जिसे आगे 8 लेन तक बढ़ाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे की एक खास बात यह भी है कि यह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करता है। इससे दिल्ली से चेन्नई के दूरी फिलहाल 2250 किलोमीटर के करीब है। वो दूरी भी कम हो जाएगी और समय भी कम लगेगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने के में करीब 45,000 करोड़ का खर्च आने वाला है। स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है, यानी अगर आप सूरत से चेन्नई तक बिना रुके गाड़ी चलाते हैं तो 11 घंटे में पहुंच जाएंगे और अगर ब्रेक लेते हुए चलेंगे तो भी 18 घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वैसे कुछ एक्सपर्ट इससे एक्सप्रेस मानने से इनकार करते हैं। उनका मानना है कि यह सूरत सोलापुर इकोनॉमिक कॉरिडोर और सोलापुर चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर का कमीशन है, जिसमें ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड के अपग्रेड कंस्ट्रक्शन है। सूरत इकोनॉमिक कॉरिडोर की लंबाई 513 किलोमीटर है, चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर 707 किलोमीटर लंबा है। सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे को भारत सरकार की एजेंसी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI बना रही है। तो अगर इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।